इधर द कपिल शर्मा शो टीआरपी रेस में नंबर एक पर पहुंच गया और उधर सुनील ग्रोवर के शो पर ग्रहण लग गया। अभी सुनील के शो कानपुर वाले खुरानास को आए एक महीना भी नहीं हुआ था और उनके फैंस के लिए एक बहुत बुरी खबर आ गई है। अब खबर यह है कि सुनील का शो कानपुर वाले खुरानास बंद हो रहा है, मतलब उस शो को ऑफ एयर किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कपिल शर्मा की वजह से इस शो को बंद किया जा रहा है। तो अफवाह ये भी है कि टीआरपी ना आने की वजह से चैनल ने सुनील के शो को बंद करने का फैसला किया है, लेकिन इसके पीछे की असली सच्चाई कुछ और है, हम आपको बताते हैं। सुनील ग्रोवर ने पिंकविला को इंटरव्यू दिया और उसमें शो बंद होने की असली वजह बताई है। सुनील ने कहा है कि स्टार प्लस के साथ उन्होंने एक छोटी सी सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था, अभी उन्हें सलमान खान की फिल्म भारत की शूटिंग भी करनी है। सुनील ग्रोवर ने आगे कहा कि यह मेरी वजह से बंद हो रहा है, मैंने 8 हफ्तों के लिए शो साइन किया था क्योंकि मुझे भारत फिल्म की शूटिंग करनी है। मैंने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू के दौरान ही क्लियर कर दी थी कि मैं सिर्फ इतने समय तक ही काम कर सकता हूँ। फिलहाल सुनील ने भारत फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है और उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो अगले 40 दिन इस फिल्म की शूटिंग में ही बिजी रहेंगे। कानपुर वाले खुरानास में सुनील ग्रोवर के साथ अली असगर, उपासना सिंह और सुगंधा मिश्रा जैसे बड़े कॉमेडियंस काम कर रहे थे। खबरें तो ये भी हैं कि सुनील कपिल के साथ उनके शो में वापस आ सकते हैं, क्योंकि इधर सलमान खान कपिल के शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उधर सुनील सलमान की फिल्म में काम कर रहे हैं। सलमान ने दोनों को साथ काम करने का ऑफर भी दिया है। फिलहाल अब ये वक्त बताएगा कि दोनों साथ आएंगे या फिर नहीं। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।